हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरमंडल एक्सप्रेस के हादसे के बारे में। तो चलिए शुरू कर। तो ये घटना है 2 जून 2023 की। ट्रेन अपने पिछले स्टॉप बालेश्वर से चली थी और अपने नेक्स्ट स्टॉप भद्रक की तरफ बढ़ रही थी अपनी फुल मैक्स परमिशनल स्पीड 130 km/h से। तो जैसे ही ट्रेन भद्रक से पहले 34 किलोमीटर पहले बहानामा बाजार रेलवे स्टेशन को क्रॉस करी थी, तो जैसे ही वहाँ का सिंगल क्रॉस हुआ ना, तो ट्रेन सीधा जाके गुड्स ट्रेन में उसके लास्ट वैगन में भिड़ गई। और दोस्तों, कोरमंडल एक्सप्रेस के 22 कोचेज में से 18 कोच वहीं पर डिरेल हो जाते हैं और कोरमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी साइड से दोस्तों 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस क्रॉस होती है, जिसके 3 कोचेस डिरेल हो जाते हैं दोस्तों। और दोनों ही ट्रेन दोस्तों 130 की रफ्तार से चल रही होती हैं। अब तक 245 लोगों की दोस्तों डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। और ये हादसा रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा हादसा है, क्योंकि ट्रेन अभी तक अगर जो एक्सीडेंट होते थे उसमें ट्रेन या तो रुकी होती थी या फलाना फलाना रीज़न, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई 2 ट्रेन 130 की रफ्तार से चल रही हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो डिरेल हो जाती हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, DLW का वेब 7 जो कि हज़ारों टनों का है, वो वैगन पर चढ़ गया और वैगन को बिल्कुल कुचल दिया है उसने, आप देख ही सकते हैं। और सुनने में दोस्तों ये भी आ रहा है कि, तो जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ग्लास को तोड़ तोड़ के इसी कुछ इसके लोग को रेस्क्यू किया जा रहा है। और इस हादसे के कारण उड़ीसा और बंगाल में शोक दिवस घोषित कर दिया गया है। देश में तेज रफ्तार ट्रेन का चलना तो खुशी देता है, किंतु ट्रेन के एक्सीडेंट दुखी कर देते हैं। रेलवे तेज गति के स्थान पर यात्रियों को और ट्रेनों की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे, ताकि G20 का नेतृत्व करते हुए सबको खुशी महसूस हो।